नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम के कार्यकाल के बारे में है। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी शुरुआत में इनका कार्यकाल 3 साल का था। इन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद 2 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन 2 साल के एक्सटेंशन को कंप्लीट करने से पहले ही इन्होंने रिजाइन किया पर्सनल रीजंस की वजह से, और ये फिर से यूएसए में जाएंगे। तो अब इस आर्टिकल में इनकी रिकमेंडेशंस को एनालाइज किया जा रहा है। पिछले 4 सालों में इकोनॉमिक सर्वेज में जो इन्होंने मेजर रिकमेंडेशंस दी सरकार के द्वारा, क्या उन रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया गया या नहीं, इस आर्टिकल में हम एनालाइज करेंगे। देखो, राइटर के द्वारा ये बोला जाता है कि शुरुआत में तो इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें कही गई थी अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, उन बातों को सरकार ने सीरियस लिया। जैसे जैम का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, अरविंद सुब्रमण्यम ने इकोनॉमिक सर्वे में जैम का कंसेप्ट दिया था, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, सरकार के द्वारा 2014 से पहले बहुत सी स्कीम्स चलाई जा रही थी सब्सिडी देने के लिए, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए गरीब जनता को। लेकिन वो सारी स्कीम्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थी, इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा थी उन स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में, लीकेजेस बहुत ज्यादा थी, करप्शन बहुत ज्यादा था। तो अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि देखो, मोबाइल का जो कवरेज है, मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है, वो लगातार बढ़ रही है। आधार कार्ड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार अभी तक आधार कार्ड के पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाई है। इसलिए सरकार फोकस करे कि जिन लोगों ने अभी आधार कार्ड नहीं बनवाया है उनका जल्द से जल्द आधार कार्ड बनाया जाए। और तीसरे नंबर पर जनधन। आजादी के इतने वर्ष बाद भी एक बड़ा वर्ग ऐसा जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, लेकिन सरकार ने जनधन योजना चलाई और फोकस किया गया कि गरीब लोग बैंक अकाउंट खुलवाएं, और करोड़ों में बैंक अकाउंट ओपन किए गए जनधन योजना के अंतर्गत। तो देखो, इन तीन चीजों को कंबाइन कीजिए, इन तीन चीजों से क्या हुआ, जो स्कीम्स सरकार चला रही थी उनमें एफिशिएंसी आ गई, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा, आधार कार्ड की सहायता से बेनिफिशियरीज की पहचान अच्छे से होने लगी। और पीडीएस में आपने देखा होगा कि अनाज प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा, और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल तो तभी होगा ना जब आधार कार्ड बना होगा। और इवन सीधा जो सब्सिडी का पैसा था वो बैंक अकाउंट में जाने लगा। अगर देखो, जनधन स्कीम ना चलाई होती तो कैसे गरीब लोगों के पास जो सब्सिडीज का पैसा है वो डायरेक्ट खातों में जाता। और मोबाइल कनेक्टिविटी की इसलिए आवश्यकता थी, इसलिए यूज किया गया फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये तो तीन चीजों ने मिलकर जो काम किया वो काफी अच्छा था, सरकार को बहुत सारा फायदा हुआ। जो पहले करप्शन होता था बहुत हद तक करप्शन कम हो गया, और जो पैसा सरकार बचा की उसको सरकार ने इस्तेमाल किया दूसरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। तो ये जैम का जो कंसेप्ट दिया गया था वो अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा ही दिया गया था, और जिसे सरकार के द्वारा अडॉप्ट भी किया गया। अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे फोकस किया गया अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, वो तो सिंपल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है उसे सुधारने की आवश्यकता है, तभी इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे देश में। ऑलरेडी वैसे सरकारें फोकस कर रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, लेकिन एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ करंट गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया, और हमारी रैंकिंग आज के समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। लेकिन तीसरा कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चक्रव्यूह चैलेंज। क्या है ये चक्रव्यूह चैलेंज, बेसिक्स बताता हूं। शायद 2015 के इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया था, चक्रव्यूह चैलेंज। देखो, जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 के बाद से, शुरुआत में तो फोकस किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, यानी कि बाहर से कोई चीज इंपोर्ट ना करनी पड़े, ये गवर्नमेंट की कोशिश थी, यानी सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि नया नया हमारी आजादी मिली थी तो हमें डर लगता था कि बाहर से हम कोई चीज इंपोर्ट करते रहें और किसी देश के मोहताज ना हो जाएं। इसी वजह से नेहरू की पॉलिसी यह थी, जिस भी चीज की आवश्यकता है उसे बाहर से इंपोर्ट ना किया जाए, हमारे देश में ही उस चीज को प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए। और शुरुआत में सरकार ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई।
ऑलमोस्ट जो सभी डोमेन्स थे उन पर सरकार का कब्जा था, यानी सरकार उन इंडस्ट्रीज को चलाती थी, और थोड़े बहुत जो डोमेन प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए रखे गए उनके लिए भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। लेकिन देखो जैसे जैसे समय बीतता है सरकार ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, सरकार ने अपनी इकोनॉमीज को लिबरल बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट फोर्सेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। यानी सरकार अब चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई इंडिया में आए। पहले जिन इंडस्ट्रीज पर सिर्फ सरकार का कब्जा था बाद में उन्हें ओपन कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज के लिए भी, और कुछ सरकारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया गया। तो मकसद था जैसे मैंने आपको बताया, और आज भी वही मकसद है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम देख लीजिए, स्टार्टअप स्टैंडअप, इन सभी प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश हो हमारे देश में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सरकार सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को इस्टैब्लिश करने पे फोकस कर रही है, लेकिन एक बार इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश हो जाती हैं उसके बाद देखो कई सारे बिजनेस चल पाते हैं लेकिन कई सारे बिजनेस नहीं भी चल पाते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, वो इस्टैब्लिश हुई, 2 साल तक ये एबीसी कंपनी चलती है, लेकिन बाद में घाटा सहते सहते ये एबीसी कंपनी अब इस कगार पे आ गई है कि बंद होने वाली है। लेकिन हमारे देश में सिस्टम ये था कि इंडस्ट्रीज को इस्टैब्लिश करना तो आसान था, लेकिन बैंकरप्ट डिक्लेयर करना, यानी अगर घाटा हो गया तो बोरिया बिस्तर समेट के वापस जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसी को कहते हैं चक्रव्यूह चैलेंज, यानी आ तो जाना। फिल्मों में आपने वो डायलॉग सुना होगा कि आप इस धंधे में आ तो सकते हो लेकिन वापस नहीं जा सकते। उसी प्रकार का कुछ सिस्टम इंडिया में देखने को मिल रहा था। एक बार कोई कंपनी स्टार्ट हो गई लेकिन बाद में घाटा हो रहा है, उसको बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो देखो अच्छी बिजनेस की रणनीति तो यही होती है ना, एक बार आपको रियलाइज हो जाए कि आपको घाटा हो रहा है तो आप जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए ताकि और ज्यादा घाटा ना हो, और रिसोर्सेज को दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि कम से कम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने में वहां तो फायदा हो। अदरवाइज तो जिस बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, फिर भी आप उस बिजनेस को बंद नहीं कर पा रहे हो तो ये तो टोटली रिसोर्सेज की वेस्टेज है। तो इसलिए अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा ये जो चक्रव्यूह चैलेंज है ना इसे एड्रेस करना होगा। तो सरकार ने 2016 में एक कोड बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ताकि जो बिजनेस घाटे में चल रहे हैं वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करके, डिफॉल्ट घोषित करके, जो भी उनको पैसा मिलेगा उससे वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, दूसरी जगह रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे बढ़ें। तो ये काफी अच्छी रिकमेंडेशंस दी गई थी अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, और सरकार ने इस रिकमेंडेशन को भी अडॉप्ट किया। लेकिन बाकी की जो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ समय में जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो खराब है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन कई सारे कॉरपोरेट ग्रुप्स उन्होंने भी बैंक से जो लोन लिया था वो भी बैंक्स के लोन को चुका नहीं पा रहे हैं। उन केसेस को छोड़ दीजिए, माल्या जैसे केसेस को जिन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट किया, यानी वो जानबूझ के बैंकों का पैसा नहीं लुटा रहे हैं। काफी सारे जेन्युइन केसेस भी हैं, काफी सारी जेन्युइन कंपनीज भी हैं जिन्होंने पैसा लिया था और उनकी इंटेंशंस भी हैं कि बैंकों को पैसा लुटाया जाए, लेकिन उनकी सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि वो बैंकों का लोन नहीं चुका पा रहे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, नया बिजनेस भी इस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखो ये सब नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी हमारे देश में, कैसे हमारे देश की जीडीपी आगे जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टील कंपनीज का, 2008 में रिसेशन आया उससे पहले स्टील कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उन्होंने बहुत बहुत लोन भी ले लिया था बैंक से, और बैंक्स को भी यही लगता था कि देखो ये तो मुनाफे में चल रही हैं और आगे इनको मुनाफा होगा तो ये लोन आसानी से चुका देंगी। लेकिन 2008 के बाद से स्टील कंपनीज अभी तक घाटे से उभर नहीं पाई हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो, केस स्टडी आप कह सकते हो। तो अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा एक सॉल्यूशन दिया गया था ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बैड बैंक। हमने काफी बार डिस्कस किया है बैड बैंक को। एक लाइन में बोलूं बैड बैंक का काम क्या होगा, सरकारी बैंकों का जो एनपीए है वो एनपीए सरकारी बैंक बेच देंगे बैड बैंक को। बैड बैंक अब उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में से जितने भी वैल्यू निकाल सकेगा वो निकालेगा और बैंक की बैलेंस शीट जो है वो अच्छी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट इससे अच्छा होगा। तो ये सॉल्यूशन दिया गया था अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, लेकिन सरकार ने अरविंद सुब्रमण्यम के बैड बैंक के सॉल्यूशन को नहीं माना। अब दोबारा से फिर से सुर्खियों में आया है, हमने डिस्कस किया था, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुछ समय के लिए पीयूष गोयल, उन्होंने फिर से कहा कि बैड बैंक पे सरकार विचार कर रही है, लेकिन पहले सरकार कह चुकी थी कि हमारा कोई आइडिया या फिर कोई प्लान नहीं है अभी बैड बैंक इस्टैब्लिश करने का। उसके बाद हम बात करते हैं
यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि देखो सरकार बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स चला रही है अभी भी, हालांकि जैम से यानी जनधन आधार और मोबाइल से एफिशिएंसीज जरूर आई हैं, लीकेजेस जरूर कम हुई हैं, लेकिन अभी भी सरकार अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है इन स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में, और स्कीम्स की अच्छे से इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाती। तो क्यों ना एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट लाया जाए, हमारे देश में सभी लोगों को जो भी अडल्ट हैं उनको सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसे दे, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 2,000, 3,000 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो काम करें या ना करें हर महीने उनको इतना पैसा तो मिलेगा सरकार की तरफ से, तो सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा। यानी देखो एक तो कुछ हद तक इक्वालिटी आएगी, मतलब अमीर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा या फिर दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी सरकार, और गरीब लोगों में इस प्रकार से बांटेगी पैसा। तो बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स सरकार को चलानी पड़ती है, वो स्कीम्स सरकार को नहीं चलानी पड़ेगी, और लोग अपने हिसाब से पैसा खर्च कर सकेंगे। एक महीने में 3,000 रुपये मिल गए तो अपने हिसाब से जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। हालांकि देखो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं इस कंसेप्ट के, बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। पिछले साल हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे, लेकिन यहाँ पे एसेंस ये है, अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा ये जो आइडिया दिया गया था सरकार ने इस आइडिया को सिरे से इनकार कर दिया। उसके बाद लास्ट में बात आती है डीमोनेटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन को काफी अच्छे से एनालाइज किया पिछले साल अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन फिर भी जो टोन थी अरविंद सुब्रमण्यम की वो काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। हो सकता है कि सरकार के द्वारा उन्हें हिदायत दी गई हो कि आप डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, तो इस पर भी सॉफ्ट रहे अरविंद सुब्रमण्यम। आमतौर पे काफी अच्छे से एनालिसिस करते हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बारे में अरविंद सुब्रमण्यम ने जो मेन बात बोली वो ये है कि लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि डीमोनेटाइजेशन का फायदा क्या है, शॉर्ट टर्म में डीमोनेटाइजेशन के फायदे के नुकसान को नहीं देखा जा सकता। तो कुल मिलाकर राइटर यही कहते हैं कि ज्यादातर रिकमेंडेशंस जो थी अरविंद सुब्रमण्यम की उनको सरकार ने नहीं माना। आप हेडिंग भी देख सकते हो, आर्टिकल की हेडिंग यही है, एन एडवाइजर विद नो बॉडी टू एडवाइज। लास्ट में तो एक बात यही बोली जाती है कि अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वेस प्रिपेयर किए गए काफी अच्छे थे, काफी इनोवेटिव आइडियाज इन्होंने दिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।